तीसरे ओडीआई मैच शुरू होते ही पाकिस्तान के गेंदबाजों ने मचाया कोहराम। कंगारू टीम को धूल चटाकर तीसरे ओडीआई में पाकिस्तान की जीत कर दी पक्की। जी हां दोस्तों, कैसा रहा इस मुकाबले का हाल बताएंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, आपके मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन गेंदबाज किसे मानते हैं, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच फिलहाल 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। शुरुआती 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां पर एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है, जबकि दूसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दी है। सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी। आज सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने कोहराम मचा कर रख दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कप्तान बाबर आजम का यह फैसला कुछ हद तक सही भी साबित हुआ। पाकिस्तान की ओर से पहली ओवर डालने आए शाहीन शाह अफरीदी ने पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड को आउट कर पाकिस्तान को पहले ही बॉल से मैच में वापस लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद टीम के खाते में रन भी नहीं जुड़े थे कि दूसरी ओवर की तीसरी गेंद पर एरोन फिंच भी बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद तो पाकिस्तान के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ऐसा दबदबा बनाया कि जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम उबर भी नहीं पाई। ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका मैच 6 रन के स्कोर पर लगा। हालांकि इसके बाद स्टॉइनिस और बहरनडॉप के बीच एक थोड़ी सी साझेदारी देखने को मिली, लेकिन वो भी पाकिस्तान के गेंदबाजों ने ज्यादा देर तक चलने नहीं दी और पाकिस्तान के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में 41.5 ओवर में मैच 210 रन ही बनाने दिए और उनके 10 विकेट गिरा दिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी ने 2, हरीश राउत ने 3, जाहिद महमूद ने 1, मोहम्मद वसीम जूनियर को 3 और इफ्तिकार अहमद को 1 विकेट मिला है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।